जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया हुआ इनबॉक्स में कि सर इसरो के बारे में बताइए थोड़ा। इसरो के अंदर देखिए, बेंगलोर में 4 वैकेंसी हैं फायरमैन की। इसरो के अंदर रिटर्न एंड फिजिकल एक्टिविटी क्लियर करने के बाद आपको सिलेक्शन पा सकते हैं। रिटर्न के अंदर उसके अंदर ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, और इसमें साइंस होता है, साइंस थोड़ा ज़्यादा होता है। ये आपका रिटर्न के अंदर होगा। और फिजिकल एक्टिविटी में आपका 100 मीटर का जो रनिंग होगा वो 13 सेकेंड में आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपका जो लॉन्ग जंप होगा वो 17 फीट होगा, आपका जो हाई जंप होगा वो 5 फीट होगा, और 1600 मीटर की रेस आपको 5 मिनट 15 सेकंड में क्लियर करनी होगी फायरमैन के फिजिकल के लिए, तब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके साथ में आपका रोप भी होगा, रस्सा भी आपको चढ़ना होगा 3 मीटर, ओनली हैंड, हाथों के सहारे। और इसके अंदर में आप तैयारी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसके अंदर 10th क्लास पास होना चाहिए आपका, 18 से 25 एज होना चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के हिसाब से एज में छूट भी मिल जाएगी, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके रिटर्न एग्जाम के लिए आप साइंस कवर करें, साइंस का थोड़ा ज़्यादा सिलेबस होता है इसके अंदर, तो आप जनरल साइंस जो 10th लेवल की है आप उसको पढ़ के जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके की तैयारी कर सकते हैं। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद में आप फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं। फिजिकल टेस्ट की एक्टिविटी मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।